खराब हो जाएगा इंजन। अरे 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 इंजन खराब हो जाए। दोस्तों आज मैं आया हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने। ये मेरे पास है बजाज एवेंजर 180 स्ट्रीट। इसमें कुछ दिक्कतें हो गई थी, थोड़ा चलने में दिक्कत कर रही थी। इसमें क्या क्या कमी है मैं बता दूँ। इसका जो क्लच है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसका वायर ख़राब हो गया है। ये जो वायर है, ये वाला वायर पड़ेगा इसमें, ये वाला वायर। और इसका इंडिकेटर भी लटक चुका है, ये देखिए आपको इंडिकेटर लटक चुका है। और ये हमारे मिस्टर साहब इसकी क्या ट्रायल लेने जा रहे हैं, जो भी कमी है ये बताएंगे। चलो भैया जाओ और मुझे बताओ क्या क्या कमी है, हमारी जनता को बताओ किस तरह से सर्विस होगी। गाइस मैं इसकी पूरी सर्विस कराऊंगा, मेरे साथ वीडियो में बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो। दोस्तों एवेंजर बाइक में जो मेरा क्लच ख़राब हो गया था बाइक का, वो ये इन्होंने वायर निकाल दिया है और वो यहाँ से ब्रेक हो गया था। आप देखिए ये बिल्कुल लटक चुका है। और फिर मैंने ये नया ओरिजिनल क्लच इसका मंगाया है। दोस्तों याद रखें जेन्युइन पार्ट्स ही खरीदें इसका, बजाज का जो भी कंपनी है, आप जेन्युइन पार्ट पड़ाएंगे तो लाइफ अच्छी रहती है। ये देखिए इसका नया है। दोस्तों ये मेरी बाइक अभी भी धुल कर आई है, क्योंकि ये मिस्त्री साहब सर्विस करने से पहले गाड़ी को धुलवा देते हैं, क्योंकि गाड़ी जब धुल जाती है तो और अच्छे से सर्विस होती है। बाइक हो या टू व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, उसका पहला स्टेप होता है फ़िल्टर। तो भाई ने ये फ़िल्टर खोल लिया। भाई साहब खोल के दिखाइए हमारी ऑडियंस को। देखो इस टाइप का एवेंजर में फ़िल्टर होता है, कितनी डस्ट है आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल पास से मैं दिखा दूँ, काफ़ी डस्ट है यार, सच में बहुत डस्ट है। काफ़ी समय से इसकी सर्विस नहीं हुई। देखो कितना गंदा फिल्टर है, बिल्कुल ब्लैक हो गया है इसका। वैसे तो येलो कलर होता है, और ये इसकी जाली होती है, जाली बैठा के दिखाई अंदर से, इस टाइप की होती है ये एवेंजर। दोस्तों ये पॉकेट कवर है, भाई साहब छू के बताना इस पॉकेट कवर कौन सा होता है, ये वाला। उसको खोलने के लिए ये वाला पेच ये खोल रहे हैं। जब ये पेच खुल जाएगा तो ये पॉकेट कवर खुल जाएगा, और ये अच्छे से चेन का जो ये बड़ा वाला पार्ट होता है आपको दिख रहा है, वो जिस पर चेन चढ़ी होती है, एक छोटा वाला पार्ट इसके अंदर होता है। इसको अच्छे से धोएंगे ताकि चेन में स्मूथनेस आ पाए। दोस्तों इन्होंने ये चेन का कवर है वो खोल लिया है, और देखें कितनी गंदी है। देखिए आप पास से देखिए, और ये कवर भी देखिए कितना गंदा है। काफ़ी समय से मैंने इसकी सर्विस नहीं कराई थी, और कंपनी वाले शायद इसको खोलते नहीं है ना, नहीं आलस की वजह से। और जितनी देर में ये खोलेंगे उतनी देर में वो शायद तीन गाड़ियाँ निकाल देंगे, इस वजह से आगे का ये खोलते ही नहीं है। दोस्तों ये पेट्रोल से ये फ़िल्टर जो होता है उसको साफ़ कर रहे हैं, काफ़ी गंदा हो गया था। भैया थोड़ा बहुत कम तेल है मेरी गाड़ी में, कम यूज़ करना, और महंगा भी है। इन्होंने यहाँ पर पाइप लगा लिया है, देखो कितना साफ़ हो गया पेट्रोल से। ज़रा भैया हमारी ऑडियंस को खोल कर दिखाना कितना साफ़ हो गया है। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है, डस्ट फ्री। पेट्रोल से तो अच्छी अच्छी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। ये तो फिल्टर है, ये भी साफ़ करोगे पेट्रोल से भैया? अच्छा अच्छा ये भी साफ़ करेंगे। भैया मैं मजाक कर रहा था, आप जितना भी चाहें पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं, पर गाड़ी बहुत अच्छे से सर्विस हो। फ्रेंड्स जो क्लिच का वायर ख़राब हो गया था वो इन्होंने पैकेट में से निकाल कर डाल रहे हैं। ये इस टाइप से पड़ता है इसका, यहाँ से डालेंगे और इसको निकाल कर पीछे से ले जाकर यहाँ इस जगह फिट करेंगे। जब फिट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स तो ये वायर लग चुका है देखिए, और बहुत अच्छे से अब काम करेगा क्लिच हमारा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप है मोबिल ऑयल का, और ये पानी ले आए हैं। पानी डालोगे क्या? हाँ, इस बार। अरे सॉरी इनको प्यास लग रही है, पानी पियेंगे, डालेंगे नहीं। बहुत प्यास लग गई, काफ़ी काम कर लिया इन्होंने। भैया डाल मत देना ये, अरे मोबिल ऑयल की जगह पानी ना 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 भैया मत डालो, खराब हो जाएगा इंजन। अरे 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 इंजन खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स ये देखिए खराब इसका मोबिल ऑयल ब्लैक कलर का हो चुका है पूरा। ये देखिए कितना ब्लैक हो चुका है, ये पूरी तरह से निकलेगा। कितना पड़ता है भैया इसके अंदर? इसमें 1100 ml ऑयल पड़ता है कुल मिला के। ये गाड़ी में मोबिल ऑयल पड़ रहा है, और मैंने कैस्ट्रॉल एक्टिव का पड़वाया, क्योंकि मैं जब से मेरे पास बाइक हुई है तो मैं हमेशा कैस्ट्रॉल एक्टिव को प्रेफरेंस देता हूँ। इसमें स्मूथनेस आती है, मतलब तरह तरह के, मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे ये अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है इसे डलवा कर। वो कितने आराम से डाल रहे हैं, ज़रा सा भी हाथ हिल गया तो नीचे जाएगा सारा पूरा। और इन्होंने पूरा डब्बा डाल दिया, और एक्स्ट्रा करके भी डाला था। मोबिल ऑयल पड़ने के बाद अभी एक प्लग की सफाई कर रहे हैं। इसमें इस टाइप का प्लग होता है देखिए एवेंजर में, इसको खोला है, ये स्पार्क प्लग बोलते हैं इसको। और ये भी काफ़ी इसमें डस्ट वगैरह आ जाती है, और पार्किंग में काला पड़ जाता है, उसको साफ करेंगे ये। और शायद इसी से आप एवरेज बता देंगे गाड़ी का, क्या एवरेज बता देंगे। आज मिस्त्री साहब भी काफी मूड में है, देखिए खूब मजाक है, दोस्तों बोल रहे हैं। इन्हीं के बाद इन्हीं के नाम पे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। फ्रेंड्स ये है प्लग की स्थिति, ये देखिए क्लियर दिख गया। हाँ तो भैया ये एवरेज कैसा दे रही है आप बताएं?
बहुत बढ़िया एवरेज दे रही है, तकरीबन 50 का एवरेज दे रही है। तकरीबन ये 50 का एवरेज, तब भी साफ करके लगा दीजिए। साफ करने की जरूरत है या नहीं? साफ करने की जरूरत है। अच्छा, वैसे तो गाड़ी ही साफ कर देती है ये। अच्छा, गाड़ी साफ कर देती, गाड़ी है, गाड़ी चलकर ही साफ कर देती है। फ्रेंड्स, ये प्लग साफ हो रहा है, छोटे से बारीक तार से साफ होता है। ये देखिए, इस तरह से साफ कर रही है इसको। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये गाड़ी के जो पिछले ब्रेक होते हैं उसको वो घिस विस के थोड़ा सही करेंगे, थोड़े कम आ रहे हैं, और जो टायर वायर की जो कमी वगैरह है वो भी देख लेंगे। मुझे ज़रा टेक्निकल लैंग्वेज आती नहीं है, पर समझ जाइएगा आप। ये नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं और गाड़ी चकाचक बढ़िया सर्विस कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनसे सर्विस कराकर। फ्रेंड्स, इस समय ये चेन में मोबिल ऑयल डाल रहे हैं ताकि चेन में थोड़ा लुब्रिकेंट आ जाए, स्मूथनेस आ जाए, और फिर ये चेन को टाइट भी करेंगे। और इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, पहले गियर में चल रही है। देखो, टायर ऐसा चल रहा है इसका। और सबसे बड़ी खासियत बात है मेरी बाइक की कि मेरी बाइक का ना टायर घूमता है पीछे वाला यार। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी बाइक की सर्विस हो चुकी है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस बाइक, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं इन मिसेज आपसे पूछकर आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, असल में क्या हुआ था, जो मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी, जो मिस्त्री साहब की दुकान हमारे ये फ्लैट्स के बिल्कुल पास है, तो जो मेरा फ्रेंड है मिस्त्री, तो मैंने उसको बोल दिया था वो बाइक लेकर आ जाए, तो वो सामने आ गया है। आपको दिख रहा होगा, वो सामने आ रहा है। इनका नाम आदिल अंसारी है। अरे भैया, क्या हुआ, इतने पास में भी हेलमेट लगा कर आए हो? देखिए दोस्तों, ये होता है महज मेरे ख्याल 200 से 300 मीटर इनकी शॉप है, जो मैकेनिक शॉप है, वहाँ से भी ये हेलमेट लगा कर आए हैं। देखो, हेलमेट को कितना प्रेफरेंस दे रहे हैं। बहुत ऐसा ही होना चाहिए भाई, ऐसा ही होना चाहिए। वो आपके लिए सरप्राइज। क्या सरप्राइज है, पॉलिश कर दी गाड़ी और बिल्कुल नई लग रही है। देखिए, ये है हमारी बाइक आफ्टर सर्विसिंग। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, नई बिल्कुल लग रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस गिफ्ट।